आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इक्विटी ट्रेडिंग क्या है। जो हमारा बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स है, ये वाली वीडियो उसी कोर्स का 8वां एपिसोड है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इक्विटी ट्रेडिंग क्या है। अब फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग कितनी प्रकार की होती है ये आपको पता चल चुका है। हमारी दो प्रकार की ट्रेडिंग होती है, एक होती है ऑप्शन ट्रेडिंग और एक होती है इक्विटी ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है ये हमने 7वें एपिसोड में जाना, और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इक्विटी ट्रेडिंग क्या है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जानते हैं कि इक्विटी ट्रेडिंग क्या है या फिर जो इक्विटी ट्रेडिंग का कंसेप्ट है वो कैसे काम करता है। देखिए बॉस, आ चुका मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इक्विटी ट्रेडिंग क्या है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले बिगिनर के मन में एक सवाल जरूर आएगा कि इक्विटी क्या होता है। ठीक है, उसने सुन तो लिया कि इक्विटी ट्रेडिंग ये है, तो उसको एक फिर भी एक कंफ्यूजन रहेगी कि इक्विटी क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इक्विटी हम शेयर्स को बोलते हैं। आपने सुना होगा किसी कंपनी के शेयर्स, या फिर आपने कई बार यूट्यूब पे सुना होगा कि आज इतने शेयर्स मैंने इसके खरीदे, इतना मुझे प्रॉफिट हुआ, इतने शेयर पे मुझे प्रॉफिट हुआ, इतने शेयर्स खरीदने चाहिए, इस कंपनी के मैंने इतने शेयर खरीदे। तो ये जो शेयर होते हैं, शेयर्स किसी कंपनी के शेयर्स, तो शेयर्स हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। जो किसी भी कंपनी के शेयर्स होते हैं उसको हम, उसका दूसरा नाम है इक्विटी। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए आप समझिए इक्विटी। अब देखिए मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए, मेरा नाम घर पर प्रिंस है और बाहर क्या है, अभिषेक है। ठीक है, घर पर मेरा नाम प्रिंस है और बाहर क्या है, अभिषेक है। तो वैसे ही जो शेयर के नाम है, देखिए मेरे नाम कितने हुए, दो नाम हुए, एक मेरा अभिषेक नाम है, एक प्रिंस नाम है। मतलब कि घर का नाम मेरा प्रिंस है और बाहर का नाम मेरा क्या है, अभिषेक है, एग्जाम्पल के लिए। तो वैसे ही जो शेयर्स है, वैसे शेयर का दूसरा नाम क्या है, इक्विटी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। अब जानते हैं कि इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इक्विटी ट्रेडिंग में होता क्या है, एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम क्या खरीदते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। ठीक है, तो इक्विटी ट्रेडिंग में क्या होता है, मतलब कि स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम स्टॉक के शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं। मतलब कि जैसे कि आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पर कोई भी एक स्टॉक ले रहा हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा टाटा मोटर्स। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टाटा मोटर्स मैंने यहाँ पर एक स्टॉक लिया। ठीक है, और टाटा मोटर्स का अभी प्राइस चल रहा है 1000 पर। आप समझ लीजिए टाटा मोटर्स का प्राइस चल रहा है अभी 1000 पर। अब आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि जो टाटा मोटर्स है ये यहाँ से क्या करेगा, बढ़ेगा, मतलब क्या करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसके जो शेयर्स हैं उनको बाय करोगे। इसके शेयर्स जब आप बाय करोगे तो उनकी भी क्वांटिटी होती है। ठीक है, वहां पर आप एक क्वांटिटी से लेकर कितनी भी क्वांटिटी वहां पर बाय कर सकते हो। देखिए, अगर आप इसकी एक क्वांटिटी बाय करते हो, ठीक है, आपने सोचा कि मैं इसकी एक क्वांटिटी बाय करूंगा, मतलब कि आपने क्या किया, इसके शेयर कितने खरीदे, एक शेयर आपने इसका खरीदा। मतलब कि देखिए, आपने इसका एक शेयर खरीदा, एक शेयर का प्राइस आपको कितना पड़ेगा, 1000 रुपए। मतलब जो उसका प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस जो उसका चल रहा है, वही जो आपको क्या हो जाता है, जब आप शेयर्स को बाय एंड सेल करते हो तो वही प्राइस आपको पे करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर दो क्वांटिटी लोगे तो आपका जो यहाँ पर 1000 रुपए है, यही दो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर 2000 रुपए पे करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने आपको बाय एंड सेल करने का दिखाया, ये मैंने आपको बाय एंड सेल करने का दिखाया। अब देखिए, आपको लगता है कि यहाँ से जो टाटा मोटर्स है वो बढ़ेगा, आपने कोई एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की। अगर आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करनी नहीं आती, आपको पता नहीं है कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है, तो आप इसी कोर्स से बने रहिएगा। आगे आपको सब कुछ पता चलने वाला है, जितना भी ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ, वो आपको पूरा इसमें पता चलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने क्या किया, इसको बाय किया। अब देखिए, आपने चाहे कितनी भी इसकी क्वांटिटी बाय की, अब देखिए आपने इसको क्या किया, बाय किया, क्योंकि आपको लगता है कि टाटा मोटर्स बढ़ेगा। लेकिन आपके आपने इसको क्या किया, आपको आपने टाटा मोटर्स के कुछ शेयर्स को खरीदा, आपने टाटा मोटर्स के कुछ शेयर को खरीदा। मतलब कि आपने क्या किया, आपको लगा कि मार्केट अभी, आपको क्या लगा, जो टाटा मोटर्स है उसका जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो 1000 रुपए पे, और 1000 रुपए से टाटा मोटर्स जो प्राइस है वो जाएगा 1500 पे, 1500 रुपए वो प्राइस जाएगा 1000 के बाद। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बाय करोगे, उसके जो शेयर्स हैं उनको आप खरीदोगे अपने पास। ठीक है, जब आप उनको खरीदोगे, देखिए फ्रेंड्स, जितने भी आप किसी कंपनी के या फिर किसी भी स्टॉक के वो खरीदते हो, शेयर खरीदते हैं, तब आप उसके क्या हो जाते हैं, आधे हिस्सेदार हो जाते हैं। मतलब जितने आप शेयर खरीदे उतने परसेंट का आप हिस्सेदार उसके हो जाते हैं। मतलब कि आपने क्या किया, देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदा, तो आप क्या समझिए, ऐसे समझ लीजिए आपने टाटा मोटर्स का एक टुकड़ा खरीद लिया, मतलब कि कंपनी में एक हिस्सेदारी ले ली। ठीक है, वो जाता है शेयर्स का खरीदने का मतलब। ठीक है, वो जाता है जब आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स लिए। अब देखिए, जब आपने शेयर्स लिए, मतलब कि बाय किए, जब आपने किसी भी शेयर को बाय किया, उसकी आपने कितनी भी क्वांटिटी बाय करी होती है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइस अभी 1000 रुपए में चल रहा था वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही जाता है और 1500 रुपए चले जाता है। तो आपके यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, 500 रुपए, आपको यहाँ पर प्रॉफिट 500 रुपए हुआ,
और आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले तो आप बाई करते हो, ठीक है, तो जब आप इसको एग्जिट करोगे तब आप इसको सेल करते हो। तो अब देखिए बाइंग के लिए तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको सेलिंग के लिए भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, वो भी दूसरा स्टॉक सेलेक्ट करके। मैं यहाँ पर रिलायंस ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा। अब देखिए रिलायंस का भी जो प्राइस है वो समझ लीजिए चल रहा है 2000 पर, ठीक है, 2000 पर वो प्राइस चल रहा है। और आप क्या सोचते हो कि जो प्राइस अभी 2000 पर चल रहा है, ठीक है, वो गिर के आएगा 1500 पर, वो गिर के कितना आएगा 1500 आएगा। तो आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर सेल करोगे, मतलब कि आप क्या करोगे, रिलायंस के यहां पर 2000 पर अभी करंट प्राइस है, आपको लगता है कि यहां से रिलायंस गिरेगा मतलब कि घटेगा और 2000 से आएगा 1500 पे, तो आप यहां पर क्या करोगे सेल करोगे, मतलब कि सेल करने का मतलब है कि आप यहां पर इसकी क्वांटिटी को बेचोगे, मतलब कि आप मान लीजिए आप यहां पर इसकी 15 क्वांटिटी को सेल कर देते हो, मतलब कि आप इसकी 15 क्वांटिटी बेच देते हो। अब बेचने का मतलब क्या होता है कि देखिए बेचते जब आप हैं तो बेचने के बाद जैसे ही उसका प्राइस और कम होगा तो वैसे ही आप उसको खरीद लेंगे, मतलब कि 2000 पे आपने बेचा, आपको लगा कि 1500 पे ये जाने वाला है तो आपने इसको 2000 पे बेचा, तो आपने जैसे इसको 2000 पे बेचा जैसे ये 1500 पे है वो देखिए वो घट गया 2000 से 1500 पे है, तो आपने इसको क्या कर लिया बाय कर लिया। ये होता है अगर आप पहले आप सेल करते हैं उसके बाद जब अपनी पोजीशन को आप एग्जिट करते हैं तो उसको आप क्या करते हैं बाय करते हैं। आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। अब इक्विटी ट्रेडिंग कैसे काम करते हैं ये समझ लीजिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया इक्विटी ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और जितना आप उसके शेयर्स खरीदते हैं उतने की आप वहां पर उस कंपनी में हिस्सेदारी अपनी बनाते हैं, उसके बाद आप चाहें तो उस शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो आपको वहां पर इंट्राडे सेलेक्ट करना पड़ता है जब आप बाइंग और सेलिंग करते होते हैं। अब देखिए जो इक्विटी ट्रेडिंग होती है स्टॉक ट्रेडिंग में आपको एक बहुत ही अच्छी चीज मिल जाती है, मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको यहां पर 5x मार्जिन मिल जाता है, 5x मार्जिन आपको यहां पर मिलता है, 5x मार्जिन अभी भी हो सकता है। अब देखिए 5x मार्जिन मतलब अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है, ठीक है 10,000 का कैपिटल है, तो आप 10,000 के कैपिटल से 50,000 तक के, आप 10,000 के कैपिटल से 50,000 तक के शेयर्स खरीद या फिर बेच सकते हैं। यहां पर आपको स्टॉक ट्रेडिंग में काफी अच्छा फीचर मिलता है, मतलब कि आपको 5x यहां पर मार्जिन मिलता है। जैसे कि समझ लीजिए कि आपको यहां पर 5000 का आपका कैपिटल है, सिंपल आप समझिए 5000 का आपका यहाँ पर कैपिटल है, ये मैंने यहाँ पर K बना रखा है, आप यहाँ पर राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, K मैंने यहाँ पर ये बना रखा है, 5000 का आपका क्या है यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट गिरेगा तो आप इसके जो शेयर है उसको 25,000 तक के शेयर आप यहाँ पर बेच सकते हो, 25,000 तक के शेयर आप यहाँ पर बेच सकते हो, मतलब कि आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है 5x यहाँ पर आपको मार्जिन मिल जाता है। तो ये फ्रेंड्स इक्विटी ट्रेडिंग में काफी अच्छा फीचर है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं होता है, ये सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग में आपको देखने को मिलता है, मतलब कि आप जब किसी भी शेयर को किसी भी कंपनी के शेयर को जब आप बाइंग और सेल कर रहे होते हैं तब वहां पर आपको 5x मार्जिन मिलता है, मतलब कि अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो आप उस कैपिटल से 50,000 तक के शेयर बाई एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया है कि इक्विटी ट्रेडिंग क्या है, मतलब ये काम कैसे करती है, इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है, ये भी आपको समझ में आ गया है। देखिए फ्रेंड्स इक्विटी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इक्विटी का मतलब होता है शेयर, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय एंड सेल करते हो उसको बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग, मतलब कि आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदा, देखिए आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदा, लेकिन जब आप उसके शेयर्स आप खरीदते हैं तो समझ लीजिए आपने उस कंपनी के आधा, मतलब कि समझ लीजिए आपने उस कंपनी की कुछ ओनरशिप भी खरीद ली है। अब मतलब कि आप देखिए आपने उसको बाय किया, किसी भी कंपनी के शेयर्स को आपने बाय किया, अब चाहे कितनी भी क्वांटिटी आपने बाय की, अब आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय किया, तो फिर बाय करने के बाद वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कब सेल कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको देखिए मार्केट खुलता है 9:15 बजे, क्लोज होता है 3:30 बजे, तो आपको 9:15 बजे के आसपास अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, 9:15 बजे के आसपास अगर आपने ट्रेड लिया और आप उसको होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा 3:30 बजे तक होल्ड कर सकते हैं, 3:30 बजे तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, 3:30 बजे के बाद जो आपका ब्रोकर होगा वो उसको खुद एग्जिट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि मैंने अभी ट्रेड लिया है मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूं तो आपको उसको यहां पर डिलीवरी में ट्रेड करना पड़ता है। अगर आपको ये भी पता नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कि आपको इंट्राडे में बाय एंड सेल कैसे करना है और लॉन्ग टर्म के लिए आप बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये आपको इसी कोर्स में पता चलने वाला, आप कोर्स में बने रहिएगा। अब देखिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 9:15 के आसपास अपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदें तो आपको उसको 3:30 के पहले ही आपको उसको सेल करना पड़ेगा, मतलब कि आपको उसके शेयर्स को बेचना पड़ेगा अगर आपने खरीदा है। अगर आपने
पहले किसी भी कंपनी के शेयर्स को बेचा है तो आपको 3:30 बजे से पहले उसको खरीदना होता है। तो यही फ्रेंड्स, अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं इक्विटी में, तो आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आप 9:15 बजे के आसपास कोई भी एक ट्रेड लोगे, ठीक है, जिसमें कि आप बाई या सेल कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी कंपनी के शेयर्स ले सकते हो, और फिर आपको 3:30 बजे के 3:30 बजे से पहले आपको उसको बेचना पड़ता है या फिर खरीदना पड़ता है। तो ये फ्रेंड्स इक्विटी ट्रेडिंग में होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, तो आप उसको कभी भी सेल एंड बाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म के बाद। तो फ्रेंड्स यही होती है इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग में आप सिंपल करते क्या हो, आप किसी भी कंपनी के शेयर्स, मतलब कि किसी भी कंपनी की इक्विटी को खरीदते हो, ठीक है। जब आप किसी भी कंपनी की इक्विटी को खरीदते हो, जितना परसेंट आप उस कंपनी की इक्विटी को खरीदोगे, उतना परसेंट के आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। तो फिर जब मर्जी आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको उसको सेम डे को आपको सेल एंड बाय करना पड़ता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि इक्विटी ट्रेडिंग क्या है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार हो सकती है। और अगर आपका कोई रिश्तेदार है, भाई बहन दोस्त कोई भी, जो कि ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है, अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू करना चाहता है, तो ये वीडियो जरूर उसके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो हमारा ये कोर्स है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि वो भी इस कोर्स के साथ जुड़ सके। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।